अपहु अन सलीला रसूलिल करीम हम बाद फाउज बिललाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। जनाब मोहतरम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, साबिक वज़ीरे आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी सरवर साहब और पिंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों भाइयों, अस्सलाम अलैकुम। सदर जलसा का काम तो शुक्रिया अदा करना होता है और मैं खुश नसीब हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन जब से मैं न्यूयॉर्क में आया, यहाँ की कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हमेशा हर मरहले पर हमारे साथ भरपूर तावन किया। हाँ हम जलसा करें, हाँ हम मजारा करें, ये सारा आप लोगों के तावन से, आपकी मदद से होता है और मैं इस पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के जलसे में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्टेज पर आकर तकरीर कर सकते थे, लेकिन चूंकि जलसा बहुत लेट शुरू हुआ, हम उन लोगों को मौका नहीं दे सके जिसमें हमारे मुस्लिम लीग नून के राणा सईद साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, राजा अजमेर साहब प्राण वाले यही यहाँ पे हैं, हमारे चौधरी जहूर साहब, चौधरी जावेद साहब, सूफी नज़ीर साहब, उन्होंने अपने टाइम तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को दे दिया, अली अनवर साहब न्यू जर्सी से अपने साथियों के साथ तशरीफ लाए हैं, उन लोगों को भी मैं मौका नहीं दे सका। तो मैं मौलाना मतीउर रहमान साहब लॉन्ग आइलैंड से आए और उनको भी मौका नहीं मिल सका इसलिए कि वो लेट पहुँचे हैं। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ एक दो बातें करना चाहता हूँ और जब तक खाना लग जाएगा फिर खाना खाएंगे, हम जाएंगे। ये जहन में रखें कि इस वक्त जो कश्मीर आर पार की जो सूरत हाल बनती है, जिसका तस्करा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने किया है, उसमें हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भरपूर तरीके से, जहां पर ठीक है हम सियासत करने के लिए नहीं आए, लेकिन आजादी का मुतालबा करना या आजादी के उसूल के लिए जदोजहद करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हमारी बहन भाई जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और वहां जुल्म हो रहा है, तो इस हवाले से जो भी प्रोग्राम हो और जो सियासी जमात भी करे, जो सियासी लीडर भी करे, उसके साथ हमें भरपूर तावन करना चाहिए और ये हमारा इखलाकी फर्ज बनता है कि हम ये बात जारी रखें। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर सैफ अव्वल के लीडरों में शामिल हैं। जब गाजी के मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब फौत हो गए और चौधरी नूर हुसैन साहब के लिए आपने यहाँ पर फातिहा पढ़ी है और सरदार अब्दुल कयूम खान साहब भी सियासत से पीछे आ गए, तो इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब वाहिद शख्सियत है जिन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि ना सिर्फ आजाद कश्मीर के अंदर एक मिसाली हुकूमत कायम करें बल्कि उस हुकूमत की बुनियाद पर इंटरनेशनली जो वो काम कर रहे हैं, खा वो यूरोप हो, खा वो मिडल ईस्ट हो या अमेरिका हो, उसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी को वो यूनाइट रख के मसला कश्मीर को फोकस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इसमें मजीद तेजी आनी चाहिए। और जो लोग बाहर रहते हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंसाफ की तवक्को करते हैं, वहाँ पर मिसाली हुकूमत की तवक्को करते हैं, वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और हमारा ताल्लुक चूँकि पीपल्स पार्टी से है, लेकिन अगर वहाँ पर इंसाफ फराम ना हो, वहाँ पर लोगों के साथ ज्यादतियाँ हों, लोगों के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हों, तो जो बैरून मुल्क लोग बैठे हुए होते हैं तो वो तो इत्तेजाज करेंगे, वो तो बात करेंगे। तो लिहाजा इसकी जिम्मेदारी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पर ही होती है, क्योंकि वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के अंदर कायम हुई है उसकी जो इलेक्शन कैंपेन के वही चेयरमैन थे, उन्होंने ही जाकर लोगों के साथ वादे किए थे और उन्होंने ही जाकर लोगों को कहा था कि पीपल्स पार्टी को कामयाब करें, उनकी हुकूमत बनेगी, आपके मसाइल हल होंगे। तो लिहाजा वहां टेक्निकली आसिफ अली जरदारी साहब कुछ कर रहे हैं या फराज तारपुर साहब कुछ कर रही हैं या चौधरी मुजीद साहब कुछ कर रहे हैं, तो वो इनकी जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। लिहाजा अगर यहाँ पर कोई आदमी ये मुतालबा करता है कि वहाँ पर यह इंसाफ होना चाहिए, तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि वो ज़रूर इसका अहतमाम करें और इंशाल्लाह मुझे पूरी तवक्को है कि वो करेंगे। ठीक है कि इंटरनेशनली आकर वो ये बात नहीं करते इसलिए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग जानते हैं कि वो मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, जगह जगह जाकर वहाँ पर वो इस तरह की बात करते हैं कि मेरिट पर काम होना चाहिए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और मैं यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग कश्मीरियों के साथ 100% मुझसे ज्यादा कश्मीरियों के साथ वो कमिटेड है, और पाकिस्तान के लोग कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इस नस्बोलैन के कश्मीर पाकिस्तान की चारागह है उस पर कायम है, और उसके लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कुर्बानी दे रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा बजट जो खर्च हो रहा है इंडिया के साथ मुखासमत की बुनियाद पर, वो तो आम आदमी उसको बर्दाश्त करेगा। तो उसके लिए हम पाकिस्तान के लोगों के शुक्रगुजार हैं और पाकिस्तान के लोगों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान हमारी पीठ पर होगा तो तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर पाकिस्तान हमारी पीठ पर नहीं है, तहरीक आज़ादी कश्मीर को अकेले कश्मीरी जो है वो जारी और सारी नहीं रह सकता। मैं खालिद कुरैशी साहब को टाइम नहीं दे सकता, मैं नसीम साहब को टाइम नहीं दे सकता, दूसरे भी यहाँ पर लोग हैं, तारक भट्ट साहब थे बड़े अच्छे नाथ खान हैं, इनको टाइम नहीं दे सका। तो मैं सबसे माजरत के साथ चौधरी मुदस्सर साहब और नईम भट्ट साहब ने अपना टाइम बारिश सुल्तान महमूद साहब को दे दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खाना लगेगा इत्मीनान के साथ बैठे तो उसको होगा। मैं मौलाना मतीउर रहमान साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और आकर दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस जदोजहद में बारिश सुल्तान महमूद चौधरी साहब को कामयाब फरमाएं और कश्मीर की जो आज़ादी है वो जल्दी मुमकिन हो सके और कश्मीरियों को आपके खुद इरादियत जो है वो मिल सके। तो मैं मौलाना मतीउर रहमान साहब से, क्योंकि ये लागायर से तशरीफ़ लाए हैं, इनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से है, ये हमारे बड़े जय्यद आलम हैं, तो वो तशरीफ़ लाएँ, तो उनसे जवाब मैं कराना चाहता हूँ। ग्राम मौलाना मतीउर रहमान साहब।